तो रिसेंटली स्कल कैंडी ने अपने ट्रू वायरलेस ईयरफोन जेप ट्रू लॉन्च किए हैं और यहाँ पे स्कल कैंडी ने इसका रिव्यू यूनिट हमें भेजा फॉर द टेस्टिंग पर्पस। और यहाँ पे स्कल कैंडी को मैं अपने कॉलेज टाइम पे यूज कर चुका हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई वायरलेस ईयरफोन उनका यूज नहीं किया है। मैंने उनका वाइड ईयरफोन यूज किया था और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उस टाइम पे वाइड ईयरफोन स्कल कैंडी का होना बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि स्कल कैंडी का एक तरीके से बहुत बड़ा नाम हुआ करता था और स्पेशली यूथ को जो है काफी ज्यादा टारगेट किया जाता था, काफी कलरफुल जो है उनके प्रोडक्ट्स होते थे। तो यहाँ पे स्कल कैंडी के ये जेप TWS ईयरफोन का रिव्यू करने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो अगर आप इनको परचेस करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो पहले पूरे अच्छे से देख लो, उसके बाद अपना डिसीजन बनाना। और यहां पे एक चीज मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए मैं एक और जो है TWS लेकर आया हूं, क्योंकि मैं यहां पे गिव अवे करने वाला हूं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई बहुत दिन से गिव अवे नहीं हुआ है, तो बस आज के वीडियो में गिव अवे होने वाला है। पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना, आप लोगों को गिव अवे की डिटेल भी जो है आगे चल के पता पड़ जाएगी। शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग से। तो यहां पे आपको मैट ब्लैक कलर में बॉक्स देखने को मिल जाएगा, स्कल कैंडी की बैजिंग है, सामने लिखा हुआ है टोटली वायरलेस एसेंशियल, पीछे कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह लिखी हुई है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। जैसे आप बॉक्स को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ पेपर वर्क मिल जाएंगे, और एक चीज बता दूं यहाँ पे काफी सारे पेपर वर्क हैं, लेकिन इनमें से एक 1 ईयर वारंटी वाला कार्ड भी है जो बॉक्स के आगे भी लिखा हुआ है। यस, ये स्कल कैंडी के जो ईयरफोन्स है वो 1 ईयर वारंटी के साथ में आते हैं, जो मुझे काफी अच्छी बात लगी है। और वहीं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी मिल जाते हैं, तो आप अपने ईयर होल के हिसाब से जो है ईयर टिप्स को चेंज कर सकते हो। उसी के साथ में यहाँ पे आपको जो है नॉर्मल USB का सपोर्ट मिलता है। ये एक चीज मुझे आज के टाइम पे जो है थोड़ी वियर्ड लगती है, क्योंकि इसका कॉस्ट जो है वो 3000 रुपीज है, और 3000 रुपीज में जो है नॉर्मल USB नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट टाइप सी देना चाहिए। अब आगे बढ़े और बात करें ईयरफोन्स की, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ईयरबड्स देखने को मिल जाएंगे जो फॉर्म के बीच में है। सबसे पहले मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके से आपको ईयरबड्स देखने को मिल जाएंगे, आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम चार्जिंग केस को बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे पॉलिथिन में रैप होकर आपको चार्जिंग केस देखने को मिल जाएगा। तो यही सारी चीजें आपको जो है अनबॉक्सिंग में देखने को मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और डायरेक्टली बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन से। आपको प्लास्टिक की क्वालिटी में ईयरफोन्स और चार्जिंग केस दोनों ही मिल जाएंगे। अगर मैं चार्जिंग केस की प्लास्टिक क्वालिटी की बात करूं तो काफी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक मुझे लगा है। यहाँ पे आपको थोड़ा ग्रे कलर का जो है फिनिश भी देखने को मिल जाएगा, और उसी के साथ में आगे की तरफ आपको जो है स्कल कैंडी के जो है लोगो देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं लिड की, तो यहाँ पे लिड की क्वालिटी मुझे हल्की सी जो है थोड़ी सी लाइट सी लगी, इसको थोड़ा सा और थिक होना चाहिए था, लेकिन जैसे इसको आप ओपन करोगे तो अच्छे से जो है पूरी तरीके से शेप दिए गए हैं। और यहाँ पे एक जो चीज मुझे काफी पसंद आई है वो है भाई मैग्नेट। इसको मैं अच्छे से हिला के देख रहा हूँ, मैग्नेट इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि भाई इसमें से आवाज भी नहीं आती है जब ईयरबड्स को मैं अच्छे से हिला रहा हूँ। तो यहाँ पे मैग्नेट वगैरह जो है इसमें काफी हाई क्वालिटी का यूज हुआ है। इस चार्जिंग केस को आप आराम से अपने पॉकेट में डाल सकते हो, आपको जो है ऐसा चुभेगा नहीं या फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आई नो थोड़ा सा एज वाला लुक है, लेकिन वो प्रॉब्लम मुझे पर्सनली फील नहीं हुई है, तो पॉकेट में अच्छे से ये आ जाएगा। और वहीं इस चार्जिंग केस को आप सिंगल हैंड के साथ भी ओपन कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है कि यार हम एक हाथ से अपने चार्जिंग केस को ओपन करना चाहते हैं, तो यस आप इजीली जो है एक हाथ से ओपन कर सकते हो। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपको LED लाइट ब्लिंक होती हुई मिल जाएगी, वो एक्चुअली बैटरी इंडिकेटर है, अगर बैटरी डाउन हुई तो रेड कलर में वो कन्वर्ट हो जाएगी। यहां पे एक चीज बता दूं, लिड ओपन करने पे ही जो है आपके एक तरीके से पेयरिंग मोड में ये नहीं जाता है, आपको इसके ईयरबड्स को बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे आप ईयरबड्स को बाहर निकालोगे आपके फोन में आपको जाना है और वहां पे जो है जेप ट्रू करके लिखा आ जाएगा। पेयरिंग प्रोसेस काफी इजी है, सिंगल बार आपको टैप करना है, फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आप ईयरबड्स को बाहर निकालोगे तो ऑटोमेटिकली जो है पेयर हो जाएगा। अब अगर ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वो भी आपको प्लास्टिक मटेरियल में मिल जाता है, और एक चीज अगर आप नोटिस करें तो इसका थिकनेस काफी ज्यादा है। अब देखो इस टाइप के जो डिजाइन होती है वो काफी सारे लोगों को पसंद आती है, क्योंकि इनके जो ईयरबड्स होते हैं वो 45 डिग्री टिल्टेड होते हैं और आपके ईयर के अंदर तक काफी ज्यादा चले जाते हैं, तो इसके कारण आपको काफी परफेक्ट आइसोलेशन मिल जाता है, यानी कि ANC इसमें नहीं है, लेकिन जैसे आप इन ईयरफोन्स को पहनोगे तो बहुत सारी नॉइज जो आसपास की है वो कैंसिल हो जाती है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं, जैसे इन ईयरफोन्स को आप अपने ईयर में डालोगे आपको एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना पड़ेगा फॉर द बेटर फिट। आपको काफी कमाल की फिट मिल जाएगी अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो। तो अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो गाइस इन ईयरफोन्स को पहन के आप जिमिंग, रनिंग, साइकिलिंग जो करना चाहते हो आप कर सकते हो, काफी अच्छी फिटिंग आपको मिल जाती है। मैंने यहां पे काफी अच्छे तरीके से हेडसेट वगैरह भी किया है, बिल्कुल भी जो एक तरीके से ढीलापन भी जो है आपको ईयरफोन्स में या ईयर में नहीं फील होगा, काफी अच्छी क्वालिटी की जो है फिटिंग आपको मिल जाती है। अगर कनेक्टिविटी की बात करूं तो ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है, प्लस इन ईयरफोन्स को आप जो है सोलो ईयरफोन्स की तरह भी यूज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो एक ईयरफोन को भी यूज कर सकते हो, ये चीज आपको इसमें मिल जाती है। अब साउंड क्वालिटी के बारे में बात कर लेता हूं, क्योंकि मैं इस चीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। बहुत साल बाद जो है मैं स्कल कैंडी के ईयरफोन्स यूज कर रहा था, और जब इन ईयरफोन्स को मैंने अपने फोन से कनेक्ट किया और जब मैंने सॉन्ग प्ले किया
तो ओ बॉय बहुत ही कमाल का जो है मुझे साउंड क्वालिटी इसकी लगी है। एक तो बेस की क्वालिटी में जो है काफी जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। जो स्कल कैंडी का साउंड मैंने आज से 4 साल पहले सुना था उसका साउंड और अभी के साउंड में बहुत ज्यादा फर्क आपको मिल जाता है। जो लोग जिनको बहुत ज्यादा बेस सुनना पसंद है, जिनको एकदम पंची वाले बेस चाहिए, उनके लिए ईयरफोन सबसे बेस्ट मैं मानूंगा। क्योंकि यहाँ पे इस प्राइस रेंज में आपको वन प्लस के बर्ड्स ही मिल जाते हैं, ओप्पो एन को W51 मिल जाते हैं, उनमें भी आपको काफी अच्छे बेस मिलते हैं, लेकिन पंची बेस जो है आपको ईयरफोन में मिस होता हुआ मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 3000 रुपीज में एक ऐसा TWS चाह रहे हैं जहां पे आपको काफी अच्छा हाई क्वालिटी का बेस मिले, आपको एक तरीके से वाइड ईयरफोन वाला बेस मिले, तो इन ईयरफोन को आप परचेस कर सकते हो क्योंकि वैसा बेस जो है आपको यहां पे मिल जाएगा। ट्रेबल की क्वालिटी की बात करूं तो वो भी इसमें आपको काफी अच्छी मिल जाती है, लेकिन जितना अच्छा बेस, जितना थंपिंग बेस आपको मिलता है उतना ट्रेबल मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है। बट ऑनेस्टली बता रहा हूं इन ईयरफोन को मैं सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक के लिए यूज कर रहा हूं और मैंने काफी एंजॉय किया है। अगर मैं आइसोलेशन की बात करूं तो यस इसमें आपको आइसोलेशन मिलता है, आपके ईयर में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आइसोलेशन में एक प्रॉब्लम ये जाती है कि ईयरफोन जो है एक तरीके से बेस काफी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो आपका एक तो सर दुखने लगता है या फिर आपको प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज मुझे इन ईयरफोन्स में फील नहीं हुई है, तो ये एक इसका मैं काफी अच्छा प्लस पॉइंट मानूंगा। वहीं अगर आप सैड सॉन्ग सुन रहे हो, अरिजीत सिंह के सॉन्ग सुन रहे हो, तो यहां पे मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि आप जो है 70-75% वॉल्यूम में सुनना, तब आप अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। अगर आप 100% में सुनोगे तो एक तरीके से बेस जो है ये प्रोड्यूस कर देता है। ओवरऑल साउंड क्वालिटी के मामले में मुझे स्कल कैंडी काफी अच्छा लगा है। अब लेटेंसी की बात करूं तो गाइज यहां पे मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इन ईयरफोन्स को गेमिंग के लिए परचेस करो क्योंकि ये गेमिंग के लिए बने ही नहीं है। यहां पे आपको लेटेंसी जो है हाई मिल जाती है। आगे मैं टेस्ट आपको बताने वाला हूं, लेकिन अपना ओपिनियन दूं तो आप जो है इसको गेमिंग के लिए परचेस मत करना। लेकिन हां एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि भाई इनको पहन के आप मूवीज वगैरह देख सकते हो, ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन वगैरह में जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप फटाफट से इसकी लेटेंसी एक बार सुन लो, उसके बाद जो है हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने लेटेंसी टेस्ट सुन लिया है, प्लीज अपने थॉट जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अब अगर कॉल क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे मैंने अपने रूम का फैन फुल स्पीड में ऑन कर दिया है, काफी हवा भी आ रही है और आवाज भी आ रही है। बीच बीच में मैं स्विच करके आपको जो है साउंड सुना दूंगा, लेकिन इन ईयरफोन्स के थ्रू जो रिकॉर्ड हो रहा है उसमें आपको इतना ज्यादा साउंड सुनाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पे आपको हर एक ईयरबड में जो है एक तरीके से अलग से डेडिकेटेड माइक मिल जाता है और नॉइस कैंसिलेशन बाहर का जो है काफी अच्छा कर देता है। कॉलिंग के मामले में मुझे ईयरफोन जो है काफी अच्छे लगे हैं। मैंने इन ईयरफोन की टेस्टिंग कॉलिंग के लिए, वीडियो कॉल के लिए और जूम मीटिंग के लिए भी कर रखी है, कोई भी प्रॉब्लम सामने वाले ने जो है नहीं बोली है। अब बैटरी लाइफ की बात करें तो स्कल कैंडी ने क्लेम किया है कि यहाँ पे आपको 20 आवर्स तक की बैटरी लाइफ मिल जाती है। 20 आवर्स यानी कि आपको जो है एक तरीके से 60-70% वॉल्यूम पे अगर आप म्यूजिक सुनते हो तब आपको 20 आवर्स का मिलेगा, वो भी लाइक कुछ कुछ सेक्शन में। यानी कि इन ईयरफोन्स को अगर आप फुल चार्ज करते हो अपने चार्जिंग केस पे रख के 0 से 100%, तो आपको करीब करीब 4.5-5 घंटे तक का जो है बैकअप दे देगा, जो मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। इस प्राइस रेंज में बाकी ईयरफोन्स भी आपको इतना ही बैटरी बैकअप दे रहे हैं, बल्कि मुझे यहाँ ऐसा फील हुआ है कि इन ईयरफोन्स में बैटरी लाइफ और भी अच्छी मिल जाती है क्योंकि यहाँ पे जो है स्टैंड बाय टाइम इसका काफी अच्छा है। यानी कि ईयरफोन्स अगर यूज नहीं हो रहा है तो बैटरी इतने जल्दी डिग्रेड नहीं होती है। और चार्जिंग टाइम की बात करूं तो गाइस यहाँ पे करीब करीब 1.5 घंटे जो है फुल चार्ज होने में लग जाते हैं। अब अगर फंक्शनैलिटी की बात करूं तो इन दोनों ही ईयरबड्स में आपको फिजिकल बटन मिल जाते हैं, यानी कि आपको प्रेस करना पड़ेगा, तो ये एक तरीके से एक और कॉन इसमें मुझे लगा है क्योंकि भाई टच वाला जो है ज्यादा अच्छा लगता है। आई नो आपको फिजिकल बटन में जो है एक तरीके से पूरी एक्यूरेसी मिलती है, 100% ऑलमोस्ट आपको मिल जाती है, आप जब भी दबाओगे आपको वो जो है एक तरीके से रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन आपको जो है एक तरीके से इसके ईयरबड्स को बाहर निकाल के थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि अगर अंदर ही ईयरफोन लगा हुआ है और अगर आप प्रेस करते हो तो आपके ईयर में हर्ट होगा। तो एक तरीके से फिजिकल बटन जो स्कल कैंडी ने दिया है वो नहीं देना चाहिए था, टच देते तो ज्यादा बेटर होता। बटन फंक्शनैलिटी की बात करें तो अगर आपको सॉन्ग को प्ले पॉज करना है तो आपको सिंगल बार टैप करना है किसी भी ईयरबड्स को तो आपके जो है सॉन्ग प्ले पॉज हो जाएंगे। वहीं पे अगर किसी का कॉल आ रहा है तो आप सिंगल टैप के साथ उठा सकते हो या फिर रिजेक्ट कर सकते हो। अगर आपको नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करना है तो आपको जो है एक तरीके से राइट वाले को डबल बार टैप करना होगा तो आपका सॉन्ग नेक्स्ट हो जाएगा। वहीं पे अगर प्रीवियस सॉन्ग सुनना है तो आपको लेफ्ट वाले को डबल बार टैप कर लेना है।
अगर मैं गूगल असिस्टेंट सिरी बिक्सबी वगैरह को इनेबल करने का ऑप्शन बताऊं तो यहाँ पे आपको ट्रिपल बार जो है किसी भी ईयरबड को टैप कर लेना है। जैसे आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपका असिस्टेंट इनेबल हो जाएगा। मेरे केस पे यहाँ पे सैमसंग का फोन है तो बिक्सबी जो है यहाँ पे इनेबल हो गया है। वॉल्यूम कंट्रोल इसमें आपको नहीं मिलेंगे, प्लस इसमें आपको ऐसा सेंसर वगैरह भी नहीं मिलता है कि अगर आप ईयरबड्स को बाहर निकालते हो तो आपका सॉन्ग जो है वो खुद ब खुद पॉज हो जाए। तो ये कुछ कॉन्स है जो आपको इन स्कल कैंडी के ईयरफोन्स में मिल जाएंगे, क्योंकि 3000 रुपीस में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें आपको काफी एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं। ANC तक मिल रहा है क्योंकि अभी Realme ने हाल फिलहाल में जो है लॉन्च कर दिया है अपने TWS। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड क्यों करता हूँ स्कल कैंडी का, तो देखो सिंपल इज दैट कि अगर आपको एक पंची बेस चाहिए, अगर आपको स्कल कैंडी का लॉन्ग टर्म वाला जो है एक तरीके से बैटरी लाइफ में TWS ईयरफोन चाहिए, तो 3000 रुपीस में स्कल कैंडी के ये जिप जो है काफी अच्छे ऑप्शन है, आपको कमाल का जो है एक तरीके से साउंड क्वालिटी दे देंगे और स्टैंड बाय टाइम भी इसका मुझे काफी जबरदस्त लगा है। अब अगर आगे बात करें गिव अवे की, तो यस मैं एक TWS जो है गिव अवे कर रहा हूँ। काफी सिंपल और इजी से जो है मैंने रूल आप लोगों के लिए रखे हैं। नंबर वन रूल ये है कि आपको ये वीडियो जो है लाइक करना है, 1500 लाइक का टारगेट रखा है, जैसे ही टारगेट पूरा हो जाएगा मैं गिव अवे जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दूंगा। सेकंड रूल है कि आपको हमें इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो है इसका रिजल्ट आएगा, लाइव इंस्टाग्राम पे जाऊंगा और रिजल्ट अनाउंस करूंगा। और आपको जो है नीचे कॉमेंट करना है अपने इंस्टाग्राम की आईडी और आपको इसमें सबसे अच्छा क्या फीचर लगा है वो जो है आपको कॉमेंट सेक्शन में लिख देना है। और फोर्थ रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, आपको जो है नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर देना है ताकि मैं जब रिजल्ट लेकर तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये कुछ चार रूल है जो आपको फॉलो कर लेना है और जैसे ही 1500 का टारगेट पूरा हो जाएगा मैं इसका रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।